got me like. Anydesk, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए Anydesk, फर्स्ट लिंक को सिलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इसको। इसका स्टोरेज बहुत कम है, 1 MB से भी कम है इसका स्टोरेज। तो ये मैंने डाउनलोड कर चुका है इसको, तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करूँगा। Anydesk, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये ओपन हो गया। ये कोड आप उसको दोगे तो वो आपका सिस्टम चला पाएगा, तो वैसे कोड उसका पास भी रहेगा। अगर वो कोड आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप भी उसका सिस्टम चला पाओगे इस पीसी पर। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो कोड मेरे लैपटॉप पर है वो मैं यहाँ एंटर करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं इस पीसी से उस सिस्टम को कैसे चलाता हूँ। तो मैं कोड लिखता हूँ 663696425 और ये कनेक्ट, तो ये कनेक्ट हो रहा है। और तभी मेरे लैपटॉप पर एक एक्सेस बटन आएगा कि मैं अलाउ करता हूँ दूसरे पीसी को मेरे सिस्टम चलाने के लिए। तो मैं अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं इस पीसी पर उस सिस्टम चला पाऊँगा। तो ये देखिए, मैंने एक्सेप्ट कर दिया था, तो ये देखिए मैं अपना वो लैपटॉप इस पीसी से कंट्रोल कर सकता हूँ, वो सिस्टम कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपना ये पीसी से वो लैपटॉप का सिस्टम कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर दिखाया Anydesk, उसी तरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए टीम व्यूअर, ये देखिए टीम व्यूअर 13। तो ये भी एक वैसा ही सॉफ्टवेयर है Anydesk जैसा ही। तो यही था आज का वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और टेक वीडियोस के लिए मैं ऐसे ही वीडियो रोज लाता रहूँगा। तो बस।